चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर नगर में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर नगर के राजमहल स्थित बाण माता मंदिर परिसर में कांवड़ यात्रा संघ के अध्यक्ष रमेश उस्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। संघ के अध्यक्ष रमेश उस्ता ने बताया कि कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया। कांवड़ यात्रा बाण माता से बेनेश्वर धाम के लिए 30 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रस्थान करेगी, जो रात्रि 9 बजे बेनेश्वर धाम पहुंचेगी। 31 अगस्त को ब्रह्म वेला में भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद मंदिर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। अब बेनेश्वर से कांवड़ में जल भरकर सलूम्बर के लिए प्रस्थान करेगी, जो दिन भर पैदल यात्रा करते हुए जैताना पहुंचेंगे, जहां विश्राम होगा व कांवड़ियों का भोजन देवगांव में आयोजित होगा। 1 अगस्त सोमवार को प्रातः 5 बजे कांवड़ यात्रा देवगांव से सलूम्बर रवाना होकर कृष्ण नगर पहुंचेंगे। इसके बाद सलूम्बर नगर भ्रमण कर जागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक व महाप्रसादी का आयोजन होगा। बैठक में रमेश लोहार, जगदीश पुरी, जितेंद्र पुरी, धर्मेश लोहार, भरत वैष्णव, प्रवीण उस्ता, संजय शर्मा, मुकुल सोनी, धर्मेंद्र भोई, प्रदीप सोनी, शांतिलाल साल्वी, कमलेश सोनी, सागर सुथार, मनोज ताजावत, पुष्कर तंत्रकार, ऋषभ सेठ, नवीन वैष्णव, कन्हैयालाल सेवक, धर्मेंद्र सुथार, विमल सोनी, शांतिलाल साल्वी, तेजा भाई मीना, पारस सुथार, निलेश सेवक, कार्तिक भट्ट, मनीष भट्ट सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।